हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड बाय अंजलि। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन। तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई चिकन। कढ़ाई चिकन में मसाले बहुत ही स्पाइसी होते हैं और उसके लिए हमें मसालों को रोस्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम करते हैं मसालों की तैयारी। मसालों में होता है कमिन सीड, फिनेल सीड, कोरिएंडर सीड, 4-5 हम रेड चिलीज लेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे, 4-5 कार्डमोम लेंगे। सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उनका हम एक पाउडर बना लेंगे। फिर एक पैन को गरम करेंगे, उसमें जीरा सौंफ और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। फिर हम रफली चॉप्ड अनियन डालेंगे, उनमें डाल करके हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे और रेड होने तक वेट करेंगे। फिर चिकन को ऐड कर देंगे हम उसमें। फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच और अच्छे से मिक्स करके इन्हें हम ढक करके 3 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं करूँगी आगे काजू का एक पेस्ट बनाऊँगी जो क्रीम फ्लेवर के लिए। और काजू नहीं तो आप स्किप करके आप प्योर मिल्क, प्योर और फ्रेश मिल्क की मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। तो रफली चॉप टमाटर को लेकर के हम उसकी प्यूरी बना लेंगे। फिर हम लीड को हटा करके चिकन में ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें हम टमाटर की प्यूरी को ऐड कर देंगे और फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमने जो पहले मसाले तैयार किए थे उस मसाले को 2 टेबल स्पून भर भर कर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा, वो मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो बहुत ही 1/2 टीस्पून होगा, बहुत ही कम होगा। और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे पिसे हुए काजू और फ्रेश मलाई, और या फिर आप मार्केट से लाए हुए क्रीम को भी यूज़ कर सकते हो। और हमने अच्छे से मिक्स करके बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, ढक देंगे 10 मिनट। जब तक हम चिकन को ढक करके छोड़ देते हैं तब उसके बाद हम चॉप करेंगे कैप्सिकम एंड अनियन को, जस्ट लाइक जैसे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया, वीडियो में दिख रहा है ऐसे क्यूब शेप में चॉप कर लेंगे। और उसके बाद एक दूसरे पैन को हम गर्म करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे। कैप्सिकम और अनियन को जब हम हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा इसका। रोस्ट करके हम फिर से इसे चिकन में ऐड कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं रोस्ट। इसके लिए हम एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और अनियन, उसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद चिकन का लीड हटाकर हम उसमें ऐड कर देंगे चिकन में। जब ये अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगा, रेड रेड सा अनियन हो जाएगा, तो हम उसे ऐड कर देंगे चिकन में। चिकन में ऐड करते ही 2-3 मिनट तक हम उसे उसमें छोड़ करके पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद हमारा चिकन लगभग रेडी हो जाएगा। और देखिए हमारा कढ़ाई चिकन कितने अच्छे से रेडी हो गया और देखने में कितना यम्मी दिख रहा है। इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप जिंजर जो 1 इंच का होना चाहिए, 1 इंच में होना चाहिए, और लेमन जेस्ट। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा। हमारा कढ़ाई चिकन अब रेडी हो चुका है। अब बारी है प्लेटिंग की, तो चलिए करते हैं प्लेटिंग। आप इसे सर्व कर सकते हो नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ। और आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना और अपने घर में इंजॉय करना। थैंक यू।